हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है सैटरडे का, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में हम लोगों ने क्या खाया वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा का रेसिपी, आप चाय देख रहे हैं, पर पोहा का मैंने एक बहुत ही अलग अच्छा सा रेसिपी बनाया था विच इज़ कॉल्ड पोहा पुलाव। ये पोहा की तरह नहीं बनता पर पोहा से बनता है, और मेरे इसके क्लिप्स थोड़े से मिस हो गए हैं। मैं दोबारा जब कभी बनाऊंगी तो इसका रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, और ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखने में पोहा जैसा लग रहा है पर इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, झटपट पुलाव ही समझ लीजिए आप इसे। तो ये बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट में। और आप सोचेंगे मैंने तीन ही क्यों सर्व किया है, वो इसलिए कि मुझे भी खाने का मन नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है और आई एम नॉट फीलिंग वेरी एक्टिव टुडे। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। और शर्मा जी और मैं, हम दोनों ही अभी गए थे बाहर, थोड़ी ग्रॉसरी लेकर आए हैं। एक्चुअली बहुत सारी नेसेसिटीज़ ख़त्म हो रही थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है आटा, चावल, चीनी, तेल, मसाले, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। देन डिटर्जेंट ऑल्सो। अभी शर्मा जी गए हैं शावर लेने, मैं पहले सब सैनिटाइज़ कर दूंगी और इसके बाद फिर मैं शावर लूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर इस सब को भी नहीं टच कर सकते हैं ना, इसे मैं पहले सैनिटाइज़ कर दूं सो दैट सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक के बाद एक क्लीन हो जाए। और जब ग्रॉसरी आई है तो ये सारी ग्रॉसरी पहले सैनिटाइज़ करनी होगी, तभी इसे आराम से कहीं रखा जा सकता है और मैं टेंशन फ्री हो सकती हूँ। यहाँ पे कम से कम 5 bags थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये करने में काफ़ी वक्त मुझे लग गया। बाद में थोड़ी हेल्प शर्मा जी ने भी कराई, बट एक एक सामान को इस तरह मैंने सैनिटाइज़ करके रखा, उसके बाद ही आप टेंशन फ्री फील कर सकते हैं। एंड देन इसके इमिजिएटली बाद मैंने ये कपड़े धुलने में डाले और जाकर शावर लिया सीधे सर से। और इस पैकेट में सभी कुछ स्नैक्स ही भरे हुए थे। अब देखिए मैं है ना पैकेट्स को कैटेगराइज़ करती हूँ, एक में इस तरह के स्नैक्स होंगे, एक में दाल वगैरह होंगी, एक में क्लीनिंग का सामान होगा। तो कोइंसिडेंटली मैं करने बैठी तो पहला बैग यही सामने आ गया। पॉइंट इज़ प्लीज़ डोंट जज कि आप ये सब क्या लेकर आइए ग्रॉसरी में, बिकॉज़ ये वाला बैग में सब इस तरह के स्नैक्स ही आपको मिलेंगे, इसलिए डोंट जज कि सिर्फ यही ग्रॉसरी में आया है। दाल चावल, एंड यू नो मी, मैं किस तरह के शॉपिंग करती हूँ, मैं पहले भी आपके साथ कई बार मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो बेसिकली शॉपिंग जाने इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरी सारी जो नेसेसिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सॉल्ट, आटा, एंड दिस इज़ माय फेवरेट लाल मिर्ची का अचार, हर सीज़न में बनाती हूँ, इस सीज़न टाइम ही नहीं मिला यार, नहीं बनाया। और मैं बस अभी थोड़ी देर पहले शावर लेकर आई हूँ, और आज लंच के लिए बहुत लेट हो गया है। मैं कुछ बहुत इजी सा बनाने वाली हूँ लंच में। एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे ना, तो उससे पहले ही मैं ये चना का दाल सोक करके गई थी। अच्छा सोक भी हो गया है ये, तो इसका हो चुका है अभी कुछ अराउंड 3 hours हो चुके हैं, तो मैं इसका है ना पुलाव करने वाली हूँ, एकदम फटाफट से बन जाएगा। और एक्चुअली हम लोग घर से प्लान करके गए थे कि हम लोग को जाना है बिग बाज़ार, बट हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि बिग बाज़ार अभी ओपन नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर डी मार्ट शर्मा जी नहीं जाना चाहते बिकॉज डी मार्ट जैसी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो ऐसी जगहों पे जाने से हम लोग बचते हैं। बिग बाज़ार में फिर भी थोड़ा मॉडरेट रश होता है, एटलीस्ट लोग थोड़ा थोड़ा दूर तो होते हैं। तो उसके बाद जब बिग बाज़ार बंद है ऐसा पता चला, तो वी डिसाइडेड टू गो टू स्पेंसर्स। तो स्पेंसर्स हम लोग यूजुअली जाते नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ क्या होता है आप दिमाग में लेके जाइए कि चलिए 4-5 हज़ार का खर्चा होगा, पर वहाँ से जब आप लौट कर आएँ तो 6-7 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी कभार जाते हैं स्पेंसर्स, हर महीने के हिसाब से हम लोग वहाँ नहीं जाते, बिकॉज देन फिर हमारा बजट के ऊपर चला जाता है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है। एंड देन वहाँ पे चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव सामान वहाँ पे होता है, तो आपका मन भी करता है और ख़रीदने का। तो जितना सामान मैं लेकर आई ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा खर्चा हो गया, मैंने इतना सोचा नहीं था, बट हैप्पीनेस ये है कि एटलीस्ट सारा सामान मिल गया है।
और पानी बहुत ठंडा आ रहा है आजकल, वो थोड़ा सा हवा वगैरह चलती है ना उसकी वजह से, और शावर्स भी हैं, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है तो इसके लिए फिर पानी बहुत ठंडा सा हो गया है। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय पीऊँ। मैंने शर्मा जी को पूछा तो उनका भी मन हो रहा है चाय पीने का। हम लोग सामान लेकर आए, उन्होंने शावर लिया, सैनिटाइज़ किया सामान मैंने, उसके बाद मैंने भी शावर ले लिया। अब हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री हैं, सामान अभी भी बाहर ही रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर में सेटल करूँगी। पहले मैं ना चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं बहुत इजी सी ये पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और एक और कुछ भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। आई हैव रिसीव्ड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम समवन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और रेसिपी भी। फ़िलहाल बनाती हूँ चाय। और नहाने के तुरंत बाद चाय पीने का किस किस को मन करता है, आप मुझे आपके व्यूज़ बता सकते हैं। जब मैं बाल धोकर नहाती हूँ ना, तो मेरे साथ दो चीज़ें हर बार होती हैं। वन, एक तो मेरा चाय पीने का मन करता है, एंड टू, मुझे कभी कभी नींद आने लगती है। मतलब लोग नहा के बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, मेरे को क्या लगता है, मुझे नींद आने लगती है जब मैं सर से नहाती हूँ ना, बाल धोकर नहाती हूँ, तो आई फील स्लीपी, आई डोंट नो वाई। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि मुझे भेजा गया है एक गिफ्ट, और ये है गीक रोबो कुक। ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, और इसके साथ आता है एक थैंक यू नोट, और इसके अंदर क्या क्या है ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ आता है ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड एक रेसिपी बुकलेट, और इस रेसिपी बुकलेट में है 41 रेसिपीज, और इनको एक एक करके आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कुकर बहुत ही अच्छे तरह से चलाना ऑटोमेटिकली सीख ही जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक कुकर 5 लीटर कैपेसिटी का है, और ये आप देख सकते हैं ये इस कुकर का कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आप देख सकते हैं, और दूसरे भी ऑप्शन हैं, और ये बिल्कुल एक कुकर की तरह काम करता है। ये है इसका प्रेशर नॉब जो इससे क्लोज या रिलीज होता है। और इस इलेक्ट्रिक कुकर के साथ आपको दो तीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये हो गए आपके सिलिकॉन ग्लव्स, देन दिस इज़ कॉर्ड, और एक स्पैचुला एंड मेजरिंग कप। और इसके बाद ये जो इसके अंदर जो बोल है ना, जिसमें बेसिकली कुकिंग होती है, ये 5 लीटर कैपेसिटी है एंड टेफ्लॉन कोटिंग है। मैंने इलेक्ट्रिक कुकर को प्लग इन कर दिया, और अभी सबसे पहले करेंगे इसको ऑन। और मैं बनाने वाली हूँ पुलाव, तो सबसे पहले प्याज वगैरह का मसाला तैयार करूँगी, इसलिए सबसे पहले सौते ऑप्शन चूज करेंगे। पॉट को इस्तेमाल करने से पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसके बाद मैं इसमें अभी कुकिंग शुरू करूंगी, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। पॉट को बेसिकली मैंने प्लग इन कर दिया है, ऑन कर दिया है, सौते मोड पे डाल दिया है, और पॉट में डाला है मैंने ऑयल एंड देन थोड़े से खड़े गर्म मसाले, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें, बेसिकली गर्म मसालों में है लौंग, काली मिर्ची, तेज़पत्ता, और एक इलायची, एंड देन थोड़ा सा जीरा। ये सब चीज़ें थोड़ी सी भून जाएंगी, इसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज, और यहाँ बन रहा है चना पुलाव, चना दाल का पुलाव, और ये बहुत यमी लगता है, आप ट्राई कीजिएगा, फटाफट बन भी जाता है। तो मैं अच्छी तरह से ये जो प्याज है ये फ्राई करने के बाद इसमें डाल रही हूँ ये 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आपके पुलाव को आएगा। और जो मेरा पॉट है ये स्टिल सौते मोड पर ही है, एंड मेरे हिसाब से हीट जो है वो इनफ है। इस पर एक टाइमर का फंक्शन होता है, जिससे आप बिल्कुल फ्लेम ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लो, हाई एंड मीडियम। मैं इसे मीडियम पे अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। सब मसाला भून जाने के बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर और थोड़ा सा नमक, और इसको मैं थोड़ी अच्छी तरह से अभी भून लूँगी। और गर्मी का जब मौसम होता है एंड आगे तो बारिश भी लगने वाली है, तो उमस बहुत बढ़ जाएगी, तो ऐसे मौसम में किचन में खाना बनाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक कुकर है तो आप फ़ैन ऑन करके भी खाना बना सकते हैं, बिकॉज उसका अनलाइक गैस इस पर कोई असर नहीं होता। जब आप गैस पर कुकिंग करते हैं तो
जो फ़ैन है ना वो थोड़ा देख कर ही चलाना पड़ता है, बिकॉज इसका फ्लेम डायरेक्टली अफेक्ट होता है फ़ैन की हवा से। मसाला यहाँ तैयार हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा से मसाले डाले थे, हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर एंड थोड़ा सा छोले का मसाला, और वो थोड़ा भून जाने के बाद मैंने इसमें डाली है सोप की हुई चना दाल। और चना दाल और चावल का कुकिंग टाइम थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं पहले चना दाल को थोड़ा सा पकाऊंगी। मैंने इसको मसाले में मिक्स कर लिया है और अभी थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ऐसे ही कुक करूंगी। आप चाहे तो बॉयल चना दाल ले सकते हैं, बट उसकी सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा कुक करना पड़ता है। थोड़ा गरम मसाला मैंने ऐड किया है और इसे थोड़ा सा अभी हमें पकाना है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक कुकर है ना, ये एज कुकर भी काम करता है, एज पॉट भी काम करता है। ज़रूरी नहीं है आपको इसका लिड लगा कर आपको इसे मतलब हर चीज़ को प्रेशर में ही कुक करना है। आप नॉर्मल ऐसे ओपन पॉट की तरह भी चीज़ें कुक कर सकते हैं, जैसे ये दाल अभी मैं इसे ऐसे ही ओपनली ही कुक करूँगी और बाद में जब ये रेडी हो जाएगी तब मैं फिर इसमें राइस डालकर इसको प्रेशर कुक करूँगी। दाल थोड़ी सी तैयार हो गई है मेरे हिसाब से, तो सोख किए हुए चावल मैंने इसमें ऐड किए हैं और अच्छा से इसे मैं मिक्स देने के बाद जितना ज़रूरत है उतना पानी और नमक इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। मैं यहाँ पे पानी के लिए आई बॉलिंग कर रही हूँ, पर अगर आप कोई रेसिपी बुकलेट से बना रहे हैं तो वहाँ पे पानी कितना डालना है वो मेजरिंग कप से आप मेजर करके डाल सकते हैं। नमक मैंने चेक किया है और थोड़ा सा देसी घी ऊपर से ज़रूर डालें पुलाव में, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, इससे टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं। गिव इट अ गुड मिक्स और इसके बाद इसको रखूँगी मैं प्रेशर पे। लिड लगाइए, क्लोज़ कीजिए और ये जो इसका बटन है ना इसको आपको लॉक करना है, तभी इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा। लुक एट दिस, मैंने इसको लॉक कर दिया है, प्रेशर ये इस तरह खुल जाता है और इस तरह मैंने प्रेशर लॉक कर दिया और अभी ये कुक होगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने राइस बटन प्रेस किया है, फिर भी यहाँ टाइम नहीं आ रहा है, बिकॉज इस दौरान यहाँ पे प्री कुकिंग हो रही है। जैसे ही प्री कुकिंग हो जाएगी यहाँ पे टाइम डिस्प्ले होगा और कुकिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं प्री कुकिंग हो जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर टाइमर दिखने लगा है, विच इज़ 12 मिनट्स। 12 मिनट्स पूरे हो जाने के बाद यहाँ पे बीप का साउंड आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये राइस कुक होंगे फॉर 12 मिनट्स, इसके बाद ये जो कुकर है ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, कुकिंग जो है वो रुक जाएगी। बट स्टिल आपको इसे तुरंत नहीं खोलना है, जैसे कुकर में हम प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज होने देने का टाइम का वेट करते हैं ना, ऐसे ही आपको इसमें भी जो प्रेशर है उसे ऑटोमेटिकली रिलीज होने देने का वेट करना है। कुकिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है और यहाँ पे आप ये जो बीबी देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि बस हो चुका है, लेकिन अभी इसे हम खोलेंगे नहीं, इसको रेस्टिंग टाइम देंगे। एक बार आपको इस तरह बीबी नज़र आने लगे स्क्रीन पे और बीप बीप की आवाज़ आए, यानी कि कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद या तो आप इसको जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में प्रेशर बना रहने देते हैं ना ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने का वेट करते हैं, या तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं, या तो आप इसका प्रेशर खुद ही रिलीज़ कर दें। मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली रिलीज़ हुआ है। और ये देखिए पुलाव कितना अच्छा बना है, और बिल्कुल खाकर कोई नहीं कह सकता कि ये आपने गैस पे बनाया है, इलेक्ट्रिक कुकर में बनाया है, और ये बनता भी बहुत झटपट है। डू ट्राई दिस रेसिपी, यू वुड लव इट। और इसके साथ जाएगा रायता, और ये बहुत ही अच्छा इसको यू नो कंपनी प्रोवाइड करता है। मैंने लिया है दही फेटा हुआ, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, काला नमक एंड थोड़ा सा धनिया, और ये हो गया आपका यमी झटपट रायता तैयार। नाउ इट्स डिनर टाइम, और मैं डिनर भी मेरे प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैंने लंच बनाया झटपट तैयार हो गया हैसल फ्री, देन आई थॉट कि डिनर भी इसी में बनाती हूँ। मैंने लिया है ऑयल, ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला है, एक सूखी लाल मिर्च और छोटा सा तेज पत्ता, एंड देन थोड़े से अनियन मैंने यहाँ पे चॉप करके लिए हैं, थोड़े से नहीं, ये एक काफ़ी बड़ा सा अनियन था, आप मीडियम साइज़ के 2 अनियन ले सकते हैं। यहाँ पे बन रहा है द ईजीएस्ट मटर पनीर। आप अगर किचन में नए हैं, बैचलर हैं, आपको कुकिंग नहीं आती है तो ये रेसिपी आप ट्राई करना, फटाफट बन जाता है ये मटर पनीर, एंड टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। वहाँ प्याज भून रहे हैं, यहाँ ब्लेंडिंग जार में मैंने लिया है थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर, एक हरी मिर्ची, एंड देन थोड़े से टमाटर, बस ये चार चीज़ें। टमाटर ये कुछ 3-4 होंगे मीडियम साइज़ के, क्योंकि ये मटर पनीर में बेसिकली टमाटर से ही मज़ा आता है।
मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक साथ पीस लेनी है। तब तक यहाँ पे प्याज भी भुन चुका है, माइंड यू ये सब अभी मीडियम फ्लेम पे ही हो रहा है, यानी टेस्ट को मैंने मीडियम पे सेट किया हुआ है। आप आपके हिसाब से लो या हाई भी उसे कर सकते हैं। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है तो जो टमाटर का जो अभी प्योरी किया था ना, ये ऐड कर दूंगी मैं पॉट में और इसे थोड़ी देर अभी हम लोग पकाएंगे। थोड़ी देर पहले पकाएं और बाद में थोड़ा मसाला वसाला डालें और फटाफट ये रेसिपी आपकी बन जाने वाली है। और ये देखिए थोड़ा सा भून गया है ना मसाला, तो अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। और जैसा मैं कह रही थी, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मसाले भी एकदम आसान वाले हैं। मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, और धनिया पाउडर मुझे अब पीसना पड़ेगा। थोड़ा सा मेथी का दाना डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और यह है मेरा होममेड सब्ज़ी मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो एक छोटा चम्मच जैसा मैंने सब्ज़ी मसाला डाला है और बस हो गया। अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला नहीं है तो आप यहाँ किचन किंग पाउडर डाल सकते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, थोड़ा इसको भूनिए जब तक आपको मसाला अच्छे से एकदम सॉफ्ट होता नज़र ना आए और ये तेल छोड़ता आपको दिखे। उस हद तक लाइक 3-4 मिनट लग जाएंगी, आप इसे तब तक भूनिएगा। और इसके बाद ऐड कर दूंगी मैं इसमें पानी, क्योंकि हम मटर पनीर बना रहे हैं तो पानी थोड़ा हिसाब से, ऑल्सो आप चावल के साथ खाएंगे कि रोटी के साथ खाएंगे उस हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी अभी डाल दिया है और ये पानी मुझे पकाना है, इसके बाद ही मैं इसमें मटर वगैरह डालूंगी। और ये देखिए थोड़ी ही देर में उबाल भी आने लगा, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा इसे सीजन कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाला है स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ ऐड किया है और थोड़ा सा घी। अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये ग्रेवी ऑलरेडी पक रही है, उबाल इसमें आ रहा है, तो मैं इसमें इस स्टेज पे ऐड कर दूंगी मटर और पनीर। ये मेरा प्रिजर्व्ड पनीर है, फ्रोज़न पनीर है, मटर भी फ्रोज़न है, बस एक वॉश करके मैंने इसे डायरेक्टली ही ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं आपको एकदम ईजी वाली रेसिपी दे रही हूँ ना। ये पनीर अभी भी आधा बर्फ़ ही है, मटर भी आधी बर्फ़ ही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर कुक करके कुक करूँगी। अगर आपका जो पनीर है और मटर है वो फ्रेश है तो आपको प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं है और आप टाइम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अभी ये लॉक है, आप चाहें तो इसे अनलॉक कर सकते हैं और इसका जो प्रेशर है वो लाइक कुकर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा लाइक दिस। क्योंकि ये पनीर की सब्ज़ी है इसलिए मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर रही हूँ, मुझे उसे ज़्यादा रेस्ट कराना नहीं है और इसमें एज सच बहुत ज़्यादा प्रेशर है भी नहीं। ये लॉक है, इसे ओपन कीजिए। लुक एट दिस, कितना अच्छा पनीर बना है, आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। सब्जी रेडी हो गई है, मैं इसे गार्निश करूँगी, फिनिश करूँगी बेसिकली थोड़े धनिया के साथ। और ये एकदम आसान बट इक्वली टेस्टी मटर पनीर का सब्जी आपका तैयार है। डू ट्राई दिस रेसिपी, यू वुड लव इट। बहुत अच्छा ये पनीर बना है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी, पर अभी नहीं, अभी हम लोग देखेंगे एक मूवी और जब भूख लगेगी तो मैं रोटी बना दूंगी। इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्सो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट। और ये है मेरा आज का सिंपल सा डिनर थाली। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये प्रोडक्ट और ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।